गाइस टिप नंबर वन मेरा इसी घटना पर रिलेटेड है कि आपको कभी भी किसी जान वाले पे, अनजान वाले पे, किसी से भी, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, इवन वो लड़की ही क्यों ना हो, आप मत ट्रस्ट कीजिए। और रात में तो कतई भी मत ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि रात में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं आपके बच पाने के, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होने वाली है तो। इस घटना में आप, अगर आप ऐसा बुरा कहीं फंस जाते हो तो आपको ओला करना चाहिए, उबर करना चाहिए, मींस जो भी ऐसी कैब सर्विसेज होती है वो करनी चाहिए। उनसे क्या होता है कि वो आपका सारा रिकॉर्ड रखते हैं कि आपको कौन सा ड्राइवर जो है वो दिया गया है, क्या किया गया है, कौन से नंबर की गाड़ी दी गई है। तो उससे क्या होता है कि एक ड्राइवर को डर होता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं इजिली पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा हो कि हम तो पकड़े ही नहीं जाएंगे, तो वो लोग इजिली पकड़े जा सकते हैं। इस डर से ही एटलीस्ट वो कुछ गलत नहीं करेंगे। और उसके भी साथ आपको ये करना है कि आपको कोई पूल सर्विस नहीं लेनी है, आपको कैब लेना है भले थोड़ा पैसा ज्यादा लगे, कोई ऑटो भी नहीं पकड़ना है क्योंकि आप कार के अंदर ज्यादा सेफ हो। अगर कोई भी ऐसी सर्विस अवेलेबल नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। उसमें भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि आप देखिए बस खाली नहीं हो, बस में एटलीस्ट आधी बस भरी हुई हो, क्योंकि कुछ केसों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ केसों में यही हुआ था कि बस के ऊपर ट्रस्ट किया गया और गड़बड़ हो गया। और तीसरी मेरी एडवाइस ये है कि आप अगर कुछ भी नहीं है तो आप पुलिस का हेल्प लीजिए, आप 100 डायल कीजिए और पुलिस को बताइए कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में हूँ और लोग बहुत अजीब ट्रीट कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पुलिस की हेल्प लेने के। तो शायद वो आपको कुछ गाइड कर सके, शायद आपकी हेल्प कर सके, शायद आपको ड्रॉप कर सके जहाँ पे आपको जाना हो। आई थिंक ये बेस्ट होगा। ये रही हमारे घर के बाहर की बात। और दूसरा ये भी है कि आप अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप थोड़ा माइंड गेम भी कर सकते हो, जिससे एटलीस्ट आपकी जान बच सके। आप उन लोगों को कुछ लालच दे सकते हो या कुछ ऐसा आइडिया आप ऐसा बोल सकते हो कि, मतलब कुछ ऐसा शो कर सकते हो कि आपको मारने में उन लोगों का कोई फायदा नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ या राइट हूँ, तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेकंड चीज़ ये है कि बहुत सारी बार हमारे साथ ये होता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में होते हैं जब लोग हमें बहुत टीज़ करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, उसके लिए आप एक सेफ्टी पिन रखिए। अगर कोई आपके साथ थोड़ी सी भी धक्का मुक्की या कुछ ऐसा करता है तो आप उन्हें चुभा सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो मेरी फ्रेंड्स ने काफ़ी अपनाया था और उससे एटलीस्ट आप एक हैरेसमेंट से बच सकते हैं। और मेरा तीसरा टिप उन लोगों के लिए है जो लेडीज़ घर पे रहती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, या फिर जिनका सपोज कीजिए छुट्टी है आज और वो घर पे हैं, तो वो लोग क्या करें। तो हमारे साथ बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि हम डोर पे अगर कोई आया है, कोई अननोन भी है, तो हम उसके साथ बुरा बिहेव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं होता वो, हम स्ट्रिक्टली नहीं कह पाते हैं उससे, और हम शो भी नहीं कर सकते उसके सामने कि हमें डर लग रहा है या हम किसी डर के पर्पस से, क्योंकि ये करना भी सही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके आप अगर वो उस चीज़ को अगर माइंड किया और उसने सोचा कि ठीक है ये अकेली रहती है या कुछ ऐसा है या फिर ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने का वो कर रही है, तो हमें इसके साथ कुछ करना चाहिए, मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे वो लोग। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपके घर के बाहर अगर सेफ्टी डोर है तो ऑब्वियसली आप उस पर लॉक लगा के रखिए। लॉक आप लगाएंगे, अगर सपोज कोई ऐसा आता है इंसान, सेल्समैन या कोई और, जो आपसे कुछ देर के लिए बात करना चाहता है, अपनी कोई प्लान स्कीम शेयर करना चाहता है, तो आप, और वो लॉक करने के लिए, लॉक जो है उसको अनलॉक करने के लिए इंसिस्ट कर रहा है,
तो आपको थोड़ा सा माइंड से काम लेके आप उसको ये शो कर आइए कि ठीक है मैं लॉक जो है वो ओपन कर देती हूँ, आप घर के अंदर आइए, थोड़ा सा कीज वगैरह जो है वो ढूंढने का बहाना कीजिए और उसके बाद उसको बोलिए कि मेरे पास मुझे की नहीं मिल रही है, और आप जो भी कम्युनिकेशन है बहुत सॉफ्टली बोलिए, ऐसा उसको फील नहीं कराइएगा कि जो भी हमारी प्रॉब्लम जो भी आप का प्लान और स्कीम है वो आप ऐसे ही शेयर कर सकते हैं मुझसे, तो मे बी आप इस एक तरीके से भी आप बच जाएं। दूसरा तरीका ये है कि बहुत लोग के घर के बाद बाहर सेफ्टी डोर नहीं होता है, उस केस में आपको क्या कर रहे हैं आप, तो सेफ्टी डोर अगर नहीं है तो उस केस में आप अपनी विंडो का यूज कर सकते हैं, और अगर कोई आपको बहुत इंसिस्ट करे तो आप ये कह दीजिए कि मेरे घर में कोई बूढ़ा है जो बीमार है या कुछ ऐसा है, और मैं या फिर मैं किसी बहुत सीरियस प्रॉब्लम में किसी काम में हूँ, या फिर मुझे अभी अर्जेंटली कहीं जाना है तो मैं डोर नहीं ओपन कर सकती, दो मिनट की बात है, आप मुझे विंडो से बता दीजिए, मुझे ठीक लगा तो ठीक है वरना फिर मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, तो उसको भी लगेगा कि ठीक है कोई काम नहीं बन सकता यहाँ पे, छोड़ो जाने दो, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ, एक बार आप बच सकते हो। दूसरा ये है कि अगर आपके घर में कोई वर्कर है जो काम करने आया है, आपने बुलाया है किसी काम के लिए, तो काफी बार ऐसा भी होता है कि आप किसी को बुलाते हो काम करने के लिए और वो लोग भी कुछ कर जाते हैं, उस केस में आप अगर आता है वर्कर कोई, आप कॉल कीजिए अपने फैमिली मेंबर को और उनको सारी चीजें बताइए कि हमने बुलाया है, आया है, ऐसा है वैसा है, और ऐसे ही शो करिए, अच्छा ठीक है मैं पिक दे देती हूँ कि कैसे काम चल रहा है, मैं फोटो दे देती हूँ, मैं वीडियो बना के देती हूँ, मींस अगर नहीं भी बात कर रहे हो आप किसी से या बात कर रहे हो, एक थोड़ा सा सीन क्रिएट कीजिए, ड्रामा क्रिएट कीजिए, जिससे उसको थोड़ा सा डर हो जाएगा कि अगर मैंने कुछ किया तो मैं फंस सकता हूँ, उससे आप थोड़ा सा बच सकते हो। अगर आप अकेले रहते हो फैमिली में, घर में अकेले रहते हो या फैमिली में भी हो, तो थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा शक होता है या फिर नहीं भी होता है तो भी आपके सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक थोड़ा सा जो मैं सोच रही हूँ, मैंने काफ़ी सीरियल्स वगैरह में देखे हैं, बेसिकली क्राइम पेट्रोल में देखा है कि लोग क्या होता है कि तैश तैश में आके वो कुछ सुन लेते हैं या फिर उनको कोई सच्चाई पता चल जाती है, या फिर जैसे होता नहीं है कि किसी ने सपोज कोई क्राइम किया, मर्डर कर दिया, किसी के साथ कोई हादसा कर दिया और किसी और ने देख लिया और उस समय इंस्टेंट रिएक्शन दे दिया, तो ना चाहकर भी वो मर्डरर जो है उसका मर्डर कर देता है या कुछ घटना उसके साथ घटित कर देता है, तो ऐसे में भी काफी केसेस हो जाते हैं। उस केसेस में आपको ये करना है कि अगर आपने सपोज कुछ ऐसा देख भी लिया है तो आपको ये शो करना है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने कुछ देखा नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, बहुत सॉफ्टली आप रिएक्ट कीजिए किसी चीज को लेके और ऐसा दिखाइए आपको कुछ पता ही नहीं है, तो एक सामने वाले के दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और शायद उसको ये लग जाए कि आपको इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो शायद आपकी यहाँ पे जान बच सके और आप अपनी जान बचा के जा सकते हैं वहां से। अदरवाइज अगर आपने रिएक्ट कर दिया, गुस्सा कर दिया कि ये कर दिया तुमने, अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पुलिस को बता दूंगी या किसी और को बता दूंगी, ऐसा करके अगर आपने किया तो वो इंसान उस समय तो गुस्से में होता ही है जब वो किसी का मर्डर कर रहा है या कोई घटना उसके साथ घटित कर रहा है या अपनी लाइफ में ही वो कुछ गलत कर रहा है, तो उसको उस टाइम एट अ टाइम उसके ऊपर एक खून सवार हो जाता है कि उसको उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता है, बस उसको ये लगता है कि मैं कहीं कोई प्रॉब्लम में ना आ जाऊं और उसके साथ और आपके साथ वो हादसा कर देता है। तो ऐसी किसी कंडीशन में आपको अगर लगता है तो आप ऐसा कीजिए कि आप बिल्कुल भी रिएक्ट मत कीजिए, बहुत
मतलब ऐसा आप बिहेव कीजिए, अगर वो इंसान को आप नहीं जानते हो तो आप ऐसा रिएक्ट कीजिए कि आप अभी भी नहीं जान रहे हो, आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं किया। ऐसा करने से आप काफी सारे केसेस में अगर आप शिकार होने वाले होते हो तो बच के निकल सकते हो। और काफी सारी बार ऐसा होता है कि आप सपोज कीजिए फंस गए कहीं पे, कुछ घटना ऐसी, तो आप ये मत कीजिए कि आप मतलब शो कर रहे हो कि बहुत गलत हो रहा है और अब मैं अगर मैं चंगुल से छूटी तो मैं बहुत कुछ कर डालूंगी या कर डालूंगा, ऐसा कुछ अगर ऐसा हो तो आप ऐसा मत रिएक्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप, शायद मेरी बात गलत लगे या सही लगे, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में फंस रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो लोग जो भी सोच रहे हैं वो बिना किए बिना कुछ वो आपको जाने देंगे, वो नहीं जाने देंगे आपको, जो उनके दिमाग में सवार हो गया है वो करके ही रहेंगे। तो उस केस में आपको कुछ ऐसा करना है कि एटलीस्ट आपकी जान बच जाए। जान बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। जो भी बुरा हो रहा है, जो नहीं बुरा हो रहा है वो तो बात की बात है, बट जान आपको बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने अपनी जान बचा ली तो शायद आप उनके अगेंस्ट जा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, आप एक मिसाल बन सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस कंडीशन से होकर गुजरे हों। तो अगर आप जान बचा लेंगे तो आप तभी उनके साथ कुछ उन लोगों का कुछ कर सकते हैं बुरा। तो उस कंडीशन में आप अपने दिमाग को टोटली कंट्रोल में रखिए। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ऐसी सिचुएशन में कैसे रखेंगे, बट थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, टेम्पर को अलग साइड में रखिए, कुछ ऐसा कीजिए। आप पहले तो कुछ ऐसा कोशिश कीजिए कि आप के साथ गलत नहीं हो पाए, मीन्स अगर आप उन लोगों को बोलते हो कि ऐसा थोड़ा सा प्यार से बोलिए कि अगर ऐसा किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है आपने अगर मुझे जाने दिया या आज के लिए मुझे छोड़ो, हम कुछ नेक्स्ट कभी कुछ प्लान करते हैं, या मीन्स ट्रैप कर लीजिए टोटली। मैं कुछ भी करने को नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ भी रविश बात नहीं बोल रही हूँ, बस थोड़ा सा उनको दिमाग से अपने ट्रैप कीजिए, उन लोग को ये लगे कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो और मे भी उनको नेक्स्ट टाइम कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आप ये शो करो कि आज के दिन से बेटर अगर आप उन लोग के लिए कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो जो उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर कोई भी लालच ऐसा आपके जो दिमाग में आए, आप उन जो लोग हैं आपके सामने उन लोगों के दिमाग को या उनके सिचुएशन को, उनके हाव भाव को फील करके आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, आप उस मीन्स उनके भले के लिए जो भी आ रहा है आप वो उनके सामने दिखाइए, शायद हो सकता है कि वो आपकी बातों को समझें कि शायद उनका फ़ायदा है, ये समझ लें वो और आपको जाने दें, या फिर अगर नहीं भी जाने देते हैं तो एटलीस्ट आपकी जान तो बच जाएगी। तो आपको ये करना चाहिए और आपको थोड़ा सा ये शो करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं हो इस चीज़ के, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अगेंस्ट शो करोगे अपने आप को तो वो लोग, उन लोग को लगेगा कि आप अगर आज यहाँ से चले गए तो कुछ आप करोगे ही करोगे उनके लिए, उनके साथ कुछ करोगे ही, तो वो आपको नहीं जिंदा तो नहीं जाने देंगे। तो इसलिए आप ऐसा फील कराइए कि आपके लिए कॉमन है, ये आपके लिए कॉमन है, आपको इन सब चीज़ों से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये थोड़ा फील कराइए। आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट है कराना, बट अगर जान बचानी है तो शायद कराना पड़े। तो गाइज ये था मेरे जो, मैं जितना फील करती हूँ, मैं जितना सोचती हूँ कि एक इस कंडीशन में आके किसी को क्या करना चाहिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा जगह पे गलत हूँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा जगह पे सही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मेरी बात किस हद तक सही है, मेरी बात पर गौर कीजिएगा। और अगर ये बात आपको ठीक लगती है, मेरी बातें ठीक लगती हैं, तो आप अपने जानने वालों से ये बात जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी घटनाएं किसी के साथ नहीं घट सकें, एटलीस्ट जान से मार डालने वाली नौबत तो नहीं आए, किसी की जान तो नहीं जाए एटलीस्ट।
तो गाइस ये मेरा तो मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय.